हो, कोई भी महिला हो, जन्म लेने से पहले ही उस पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ये हमारे देश की सच्चाई है। हमारी बेटियां पैदा होने से पहले ही मारी जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। कोई भी लड़की, कोई भी महिला अपने घर से बाहर निकलती है, दिल्ली जैसे शहर में भी बाहर निकलती है, तो अश्लील बातों का सामना करती है। रोज पूरे देश में बलात्कार के केस सामने आते हैं, तो वो पुलिस के पास जाने का सोचती है। हमने हाथरस वाले केस में देख लिया कि जब पुलिस के पास जाते हैं तो क्या होता है। हमने देख लिया कि वहां पे एफआईआर नहीं फाइल होता। हमने देख लिया अलग अलग केसेस में कि जो लड़कियां एफआईआर फाइल करने जाती हैं, उन्हीं से कितनी भद्दगी से बात करी जाती है पुलिस द्वारा। हमने देख लिया कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के आईपीसी में नहीं वहां पे केस रजिस्टर होता। क्या वो लड़कियां नेताओं के पास जाएंगी? भाजपा के नेताओं ने तो देश को बता दिया कि बेटी बचाओ एक स्लोगन नहीं था, एक चेतावनी थी कि अपनी बेटियों को नेताओं से बचाओ। भाजपा की अगर आप लिस्ट निकालें जो नेता हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं, वो लिस्ट ही प्रिंट करने में पन्ने दर पन्ने दर पन्ने चली जाती है। चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे भोजपाल सिंह हो, चाहे विजय जॉली हो, मतलब ये लिस्ट ही चार पन्ने की प्रिंट हुई आखिर करके। और ये जब हम क्रोनोलॉजिकली प्रिंट कर रहे थे तो 2010 पे रुकना पड़ा, क्योंकि तब तक पांच पन्ने निकल चुके थे। वही बीजेपी के नेता हैं कि जब कोई बलात्कार करता है तो उनको बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। जब कठुआ में रेप हुआ, एक 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो बलात्कारी को बचाने के लिए भाजपा के नेता सामने आए। तो ऐसे में लड़कियों और महिलाओं की क्या अपेक्षा होती है? उनकी अपेक्षा होती है कि एक संस्था है जिसके पास वो जा सकती हैं, एक संस्था है जो उनके अधिकारों के लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए सामने खड़ी होगी, और वो संस्था है महिला आयोग। ये उम्मीद रखती हैं इस देश की बेटियां, ये उम्मीद रखती हैं इस देश की महिलाएं। लेकिन जब हमारी देश की महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा जी, जो खुद अपने ट्विटर से इतने घटिया, इतने अश्लील, इतने भद्दे, इतने महिला विरोधी ट्वीट करती हैं, तो फिर देश की इस महिला आयोग की संस्था से क्या उम्मीद रह जाती है? रेखा शर्मा जी, जो इस देश की नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्षा हैं, उनके कल जो कई ट्वीट सामने आए हैं वो इतने घटिया हैं कि शायद उन्हें पढ़ने का और देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन आज इन ट्वीट्स को इस देश के सामने और जो कल ट्विटर पे भी सामने आए, लेकिन फिर से एक बार ये आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगी कि किस तरह से ये आखिरी इंस्टीट्यूशन जो महिला आयोग है, जो महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वहाँ पर न्याय के लिए जब लड़कियाँ और महिलाएँ जाती हैं, उस संस्था की अध्यक्ष ऐसी बातें करती हैं। और मैं कुछ ट्वीट्स इसमें से पढ़ के सुनाऊंगी। रेखा शर्मा जी कहती हैं, महात्मा गांधी कुडन बी अ गुड फादर टू हिज सन, हाउ वी कॉल हिम फादर ऑफ नेशन, रिपोर्टिंग हिज सन रेप्ड हिज ओन डॉटर। फिर वो कहती हैं, आर दीज पुजारीज एंड शंकराचार्य सो स्टार्व्ड ऑफ सेक्स एंड हैव नो मॉरल्स दैट दे विल स्टार्ट रेपिंग वुमेन हु एंटर द टेम्पल। वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ऑब्वियसली एक फोटोशॉप्ड फोटोग्राफ ट्वीट करके कहती हैं, राहुल गांधी व्हाट वाज योर फादर डूइंग विद दीज डांसर्स व्हेन इंडिया डिडंट इवन स्टार्ट टू ब्रीद ऑन इट्स ओन। एक और ट्वीट में, जब हमारे देश के शायद 2013 की बात है, अब जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य को लेकर ट्वीट किया कि उनको एम्बुलेंस में लेके जाना चाहिए था अस्पताल। तो रेखा शर्मा जी कहती हैं, नरेंद्र मोदी जी कंसिडरिंग हर मेंटल हेल्थ शी शुड बी टेकन टू अ मेंटल असाइलम। एक और ट्वीट में कहती हैं वो, प्रियंका गांधी इज माय सिस्टर टू सेज आप्स कुमार विश्वास, कुमार विश्वास जस्ट चेक इफ योर फादर इज द सेम, वी ऑलरेडी न्यू समथिंग इज फिशी। ये है हमारी देश की महिला आयोग की अध्यक्षा।
जब ये ट्वीट सामने आए तो कल उन्होंने कई सारे अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन उनकी महिला विरोधी मानसिकता, उनकी जो भद्दी अश्लील घटिया मानसिकता इन ट्वीट्स के सामने आई है, आज आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है केंद्र सरकार से कि तुरंत प्रभाव से रेखा शर्मा जी को महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा से हटाया जाए। क्योंकि जो महिला ऐसे ट्वीट्स कर सकती हैं, ऐसी अश्लील बातें कर सकती हैं, क्या वो सामने आएंगी महिलाओं को बचाने के लिए? क्या वो एक्शन लेंगी ऐसे पुलिस अफसरों पे जो लड़कियों के खिलाफ, जो हुए अत्याचारों के खिलाफ जो FIR नहीं फाइल करते? क्या वो एक्शन लेंगी उन ट्विटर ट्रोल्स पे जो घटिया और अश्लील बातें महिलाओं के साथ ट्विटर पे करते हैं? क्या वो एक्शन लेंगी जब लड़कियों को अपने घर से बाहर निकलकर भद्दी बातों का सामना करना पड़ता है? क्या वो एक्शन लेंगी बलात्कारियों के खिलाफ जो खुद अश्लील और घटिया और महिला विरोधी मानसिकता रखती हैं? वो क्या उस संस्था की अध्यक्षता करेंगी जिसे महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा? तो आज हमारी ये मांग है कि रेखा शर्मा जी को तुरंत प्रभाव से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षता से हटाया जाए। मोहित जी, ये हम बात बिल्कुल मान लेते कि अगर अनऑथराइज ट्वीट्स कल हुए होते, परसों हुए होते तो नहीं लगता कि हैक हो गया। पर एक ट्वीट 31 दिसंबर 2012 का है, एक 11 अप्रैल 2016 का है, एक 2 मार्च 2000, तो ये ट्वीट्स तो ऐसा लगता है कि उनका, बेचारी रेखा शर्मा जी का अकाउंट बार बार ही हैक हो जा रहा है और उन्हें 5 या 6 साल बाद पता चलता है कि उनके ट्वीट से तथाकथित अनऑथराइज अकाउंट्स हो गए। देखिए ना, आप आज पैदा हुए, ना मैं आज पैदा हुई हूँ, तो इसकी सच्चाई तो बिल्कुल सामने है।